पुलिस महानिदेशक मानवाधिकार के निर्देशानुसार एडीजी के आदेशानुसार आईजी गोरखपुर रेंज जय नारायण सिंह की अध्यक्षता में पुलिस लाइन सभागार में अपराध नियंत्रण में मानवाधिकार संरक्षण परस्पर विरोधाभासी विषय पर पक्ष और विपक्ष में वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें प्रतियोगिता के निर्णायक मंडल में एसपी नॉर्थ रोहित सिंह सहजवान, गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब के अध्यक्ष मारकंडे मणि त्रिपाठी, पूर्व क्षेत्राधिकारी श्री पूजन सिंह यादव मौजूद रहे। प्रतियोगिता में गोरखपुर जोन से आए हुए पुलिस कर्मियों ने विषय बिंदु पर अपने अपने विचार व्यक्त किए, जिसमें गोंडा के हिमांशी मिश्रा ने पक्ष में तथा बस्ती के नीरज कुमार त्रिपाठी ने विपक्ष में प्रथम स्थान हासिल किया। विजेता प्रतिभागियों को आईजी जय नारायण सिंह ने प्रशस्ति पत्र और 1,000 रुपए देकर पुरस्कृत किया। प्रथम पुरस्कार हासिल करने के बाद गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए हिमांशी मिश्रा ने कहा कि मानवाधिकार का अधिकार हर वर्ग के लोगों को मिलना चाहिए, इसमें भेदभाव नहीं होना चाहिए। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए आईजी जय नारायण सिंह ने विजयी प्रतिभागियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि सभी प्रतिभागियों ने उच्च कोटि की प्रस्तुति की है, सभी लोग बधाई के हकदार हैं। आईजी जय नारायण सिंह ने कहा, ठीक उसी तरह आज जो तेज धधक रहा हमारे पक्षी बताते रहे उन्हें रोकने की, हमारी तमाम कवायतों को हमारे दामन का दाग बताते हैं, कर देते हैं। अब पूरा मौका दे कोई बात नहीं। असम तक आतंकी नबलबा के सूले नब तल जल सुरंगाधिकार की प्राथमिकता पे मेरी तरफ से प्रश्न चिन्ह लगता है। कहते हैं कि जब हम वादी कश्मीर में जाते हैं वहाँ पे राहत के दूर बन गए तो हमारे ऊपर गाली गोली और पत्थर बरसाए जाते हैं, और उन्हीं पत्थरबाजों में से अगर एक को हम गाड़ी के बोनट पे बांध लेते हैं और 400 से 500 लोगों की जान बचा देते हैं तो हम मानवाधिकारों का हनन करते हैं। क्यों करते हैं? वहाँ पे मानवाधिकार आयोग वाले कहते हैं कि गोगोई साहब पे कोर्ट मार्शल होना चाहिए, क्या ये सही है? मेरे हिसाब से बिल्कुल सही नहीं। हमारे देश पे आतंकियों का साया बढ़ रहा है, हमारे कंधों पे देश की सुरक्षा की समाज को भयमुक्त वातावरण देने की जिम्मेदारी है, जहां हम मातृभूमि की राह में अपना सर्वोच्च निछावर कर देते हैं और जिससे ये रोशन हिंदुस्तान की मशाल कायम रहती है, वही देश में हम काफी डार और अपमानजनक शब्दों से नवाजे जाते हैं। आने वाले वही दंतेवाड़ा, छत्तीसगढ़ और सुकमा जैसी घटनाओं पे पत्थर के मोरे बन जाने वालों को मैं बताना चाहूंगी कि मैंने भी मानवाधिकारों का पालन किया था, किया है, करती रहूंगी, परंतु सबों में पानी फेंकने की बात होगी, आतंक का सफाया करने की बात होगी, समाज और देश को भयमुक्त वातावरण देने की बात होगी, महिलाओं की सुरक्षा की बात होगी, बलात्कारी को उस कानून के हवाले करने की बात होगी, वहां पे मेरी पहली प्राथमिकता देश की सुरक्षा और समाज की सुरक्षा होगी, बाकी चीजें बाद में होंगी। और ऐसा इसलिए ताकि जीता रहे आपका हिंदुस्तान, जीता रहे मेरा हिंदुस्तान, जीता रहे हम सबका हिंदुस्तान। जय हिंद, जय भारत। एक के बिना दूसरे की परिकल्पना सभ्य समाज में नहीं की जा सकती। असभ्य और प्रिमिटिव और ट्राइबल सोसाइटी में तो हम दोनों को अलग अलग कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही हम सभ्यता की ओर बढ़ते हैं वैसे ही ये दोनों चीजें एक हो जाती हैं। क्योंकि जैसे अगर ट्राइबल सोसाइटी की बात करें तो वहाँ पे ठीक ठाक है, अगर कोई दोषी व्यक्ति है वो जैसा व्यवहार करता है उसे उसी प्रकार की सजा दी जाती है, जैसे उसने किसी का हाथ काट दिया तो उसका हाथ काट दिया जाएगा। लेकिन अगर हम सभ्य समाज की सिविलाइज सोसाइटी की बात करते हैं तो वहाँ पे अगर अपराध कोई व्यक्ति करता है तो उसे उसकी सजा नहीं दी जाती है, उसे सुधारने के लिए व्यवस्था की जाती है ताकि वो व्यक्ति हमारे समाज में जो रक्षा है, जो सोशल बांड के बीच में जो एक छेद हो गया है उसे किस प्रकार समायोजित किया जाए और उसकी बुराइयों को किस प्रकार से दूर किया जाए। और इस परिप्रेक्ष्य में अगर हम उसके मानवाधिकारों को, उसके जो है डिग्निटी को और उसके सम्मान पूर्वक जीवन जीने के अधिकार को अगर हम वंचित कर देंगे अपराध नियंत्रण जैसी एजेंसी के रूप में, तो शायद जो मानवाधिकार और एक समाज की जो आदर्शवादी समाज की परिकल्पना की जाती है, वेलफेयर स्टेट की परिकल्पना की जाती है, वो संभव नहीं है। ट्राइबल सोसाइटी में, प्रिमिटिव सोसाइटी में जो विद्यमान होता है, लेकिन हमारे सभ्य समाज में, सिविलाइज सोसाइटी में इस प्रकार के अपराध को किसी भी रूप में मान्यता नहीं दी जा सकती, इसे सही उचित नहीं माना जा सकता, कठिन से कठिन सजा दी जानी चाहिए। विकास की बात करते हैं और बढ़ते हुए कदम के रूप में मानव को देखते हैं तो हम दूसरे को अलग बिल्कुल रूप से नहीं कर सकते। मानवाधिकार तो बूढ़ों का खजाना है। अब हम कहेंगे कि मानव और दानव, हमारे कई साथी कहे कि मानव कौन है, दानव कौन है, अनादि काल का उदाहरण दे दिए,
पहली बात कहीं पे भी ये नहीं लिखा है कि कोई व्यक्ति दानव है। सभी मानव है, सभी अपने मादि कोख से जन्म लेते हैं, और जब बच्चा जन्म लेता है तो वो एकदम निबोध रहता है, वो समाज में आके समाज के परिवेश को धारण करके वो अपराधी बनता है या सज्जन व्यक्ति बनता है। हमको उसकी मानसिकता को बदलना है, न कि उसके शरीर को नष्ट करना है। व्यक्तिगत तो मेरा रिजल्ट तीनों लोगों के परिणाम से ही आएगा, लेकिन उन्होंने कहा सिद्धार्थ नगर जनपद के दोनों पक्ष विपक्ष ने अपनी बात बहुत बढ़िया से रखी थी, और वक्ताओं ने अच्छी बात रखी। लेकिन एकमात्र जनपद जिसको मैंने देखा जहाँ पर दोनों ने अपनी बात पक्ष में भी की बात रखी थी और विपक्ष दोनों ने बहुत अच्छा रखा था। इसके अलावा गोंडा से जो महिला आई थी उन्होंने भी अपनी बात बहुत अच्छी तरह से रखा था। वही इसमें जब आप में से कोई चली हो तो उचित यही होगा कि आप उसकी तैयारी करके बढ़िया से जन दें, जिससे आपत्ति कुछ लोगों ने की थी कि साहब आपने कागज लेकर के आई हुई थी, अच्छी तरह अपनी बात रखी थी, तो भविष्य में जो भी जाएगा जाते तो हमें साथ कोई अभिलेख या कागज या किसी को किसी तरह मोबाइल पे लिंक करके इस तरह कोई काम नहीं करेगा। उपरीक्षक इस लड़के ने भी अपनी बहुत अच्छी तरह बात की, या उपरीक्षक के साथ साथ पुराने हमारे मुख्य आरक्षी इन लोगों ने जैसे अपना इतनी अच्छी तरह बात की, क्योंकि देखिए यंग जनरेशन तो अभी आप स्कूल से आए हो, कॉलेज से आए हो, गूगल के माध्यम से तरह तरह से आप जानकारियां प्राप्त करते हो, प्रणाली होती है, हम अपना कार्य तो हर व्यक्ति करता है। लेकिन ये इस चीज के साथ वाद विवाद प्रतीकता हो गई, ये सब चीजें जो इस तरह के कर्मचारी है, यहाँ पर कई लोग थाना अध्यक्ष भी है, मैं चाहूंगा कि इस तरह के जो हमारे कर्मचारी है जब आप मीडिया के सामने ब्रीफिंग देते हो, क्योंकि आपको मालूम है कहीं भी क्राइम होता है, कोई दुर्घटना होती है, घटना होती है, तो फर्स्ट रिस्पॉन्डर हमारे थानाध्यक्ष होते हैं। मैं देखता हूँ कुछ लोग अपनी बात बड़ी अच्छी तरह अपनी प्रस्तुत करते हैं और हर कोई जाते हैं उसको जाते हैं, क्योंकि एक समझिए पुलिस की नौकरी और नौकरी में थोड़ा सा फर्क है। एक तो 24/7 करते हैं, और जब से सोशल मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आ गया है तब से हमारा पक्ष भी इस रूप में भी मजबूत हो गया है कि हम मीडिया देखते हैं, सब जगह देखते हैं, उसी तरह हमारा दूसरा पक्ष भी कि अगर हमारी कोई भी कमजोरी भी है तो उतनी ही हाईलाइट होती है। जैसे बात दीजिए, ये हमारी जैसे आज की असली खबर यही है, वो बराबर मार्क्स मिले थे, इसका बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है। रियाज अहमद खान, मोती चंद और हिमांशी मिश्रा, इनको बराबर अंक मिले थे, लेकिन रियाज अहमद खान ये हमारे पुराने कर्मचारी हैं, इन्होंने खुद अपने तरफ से हिमांशी मिश्रा ये युवा हमारी पुलिसकर्मी है, महिला है, इसको उन्होंने अपना आशीर्वाद दिया है, और इसी आधार पर निर्णायक मंडल ने इसको हिमांशी मिश्रा को जो है पक्ष में इसको प्रथम स्थान दिया है। ब्रजेश कुमार दुबे, मैं इसके बाद आइए आप इधर, इसके बाद धीरेन्द्र कुमार, मैं हकदार धीरेन्द्र कुमार, धीर मिश्र, धीर मिश्र, धीर चंद्रसेन वर्मा, जैसे आपकी जो है अनिल कुमार ठाकुर, लेकिन आपके और लोगों ने इतना जोश पसंद और सरकार, लेकिन मानवाधिकार संरक्षण परस्पर विरोधी हैं, इस संदर्भ में पक्ष और विपक्ष में वाद विवाद प्रतियोगिता पूरे जोन के समस्त जनपदों से एक एक प्रतिभागी आज इसमें पार्टिसिपेट किए हैं। लगभग सभी जनपदों के प्रतिभागी यहाँ पर जो है यहाँ पर उनका पार्टिसिपेशन हुआ है। उसी क्रम में आज पक्ष में बस्ती जनपद का कर्मचारी नीरज कुमार त्रिपाठी एवं गोंडा से हिमांशी मिश्रा ये प्रथम स्थान इनको मिला है। इसके अतिरिक्त काफ़ी कर्मचारियों ने जाते अपना इस बात दोनों पक्ष और विपक्ष में बड़े अच्छे अपने उद्गार अपने विचार इन्होंने रखा है। जो प्रतिभागी यहाँ पर पुरस्कार नहीं पाए हैं भविष्य में उनके द्वारा और बढ़िया से जाते इसकी तैयारी करके जाते हैं, इस पर पार्टिसिपेट किया जाएगा। सभी को मेरी तरफ से साधुवाद।
महिला थाना गोंडा से हूँ मैं, महिला आरक्षी हिमांशी मिश्रा। जो विषय था कि क्या मानवाधिकार और अपराध परस्पर विरोधाभासी है, तो मैं इसके पक्ष में थी कि विरोधाभासी है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये मानव अधिकार जो है प्रभुत्व संपन्न लोगों के लिए खड़ा होता है। अगर ये चीज़ देखी जाए कि एक देखिए 302 जो धारा है वो सबके लिए बराबर होती है, लेकिन अगर विधायक पे हो और एक आम नागरिक पे हो तो उसकी परिभाषा ही बदल जाती है। अगर रोड पे एक महिला गर्भवती बच्चे को जन्म देती है वो पागल है, तो उसके लिए मानवाधिकार नहीं है, लेकिन अगर वही कोई अच्छी महिला प्रभुत्व संपन्न है तो उसके लिए मानवाधिकार आता है। इसीलिए मुझे लगता है कि अगर मानवाधिकार है तो सबके लिए बराबर होना चाहिए, ना कि अलग अलग। एक पागल के लिए अलग क्यों, एक आम नागरिक के लिए अलग क्यों, एक बहुत बड़े प्रभुत्व संपन्न वर्ग के लिए अलग क्यों? ये कहीं ना कहीं प्रश्न है, सोचने का विषय है, जिसपे मुझे लगता है कि मानवाधिकार विचारों को भी आयोग को भी इस पर विचार करना चाहिए। हमारे पूर्व मुख्य न्यायाधीश श्री बालकृष्णन जी ने भी यही कहा था कि संकीर्ण मानसिकता वाले लोग ही मानवाधिकारों की आड़ लेके सुरक्षा की नीतियों से समझौता करते हैं।